हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेहद ही आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी। आज हम आलू टिक्की बनाएंगे जो फटाफट घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए हमने करीब कुछ आलू लिए हैं, इसको हमने पहले उबाल लिया है और इसके ऊपर का छिलका उतार लेंगे। इसको हम करीब 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इन आलुओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। हमने इन आलुओं को हाथ के साथ अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम जो मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे हमने वो लिए हैं। हमने 1 चम्मच आमचूर पाउडर लिया है, 1 चम्मच सादा नमक यानी सफ़ेद नमक, 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और 1 चम्मच अरारोट के लिए हमने और 4 से 5 मीडियम चम्मच मैदा लिया हमने, ये हमने टीस्पून से लिया है। अब हमने जो आलू तैयार किए हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये देखिए, आलू को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा कर लें। इससे आपकी टिक्की बहुत ज़्यादा कुरकुरी और टेस्टी बनेगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसका अच्छा सा एक बैटर बना लेंगे। अगर आप इस तरीके से अपने घर पर टिक्की बनाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरी टिक्की बनकर एकदम तैयार हो जाएगी। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर से सामान नहीं लाने चाहता कोई भी, तो आप घर पर बना सकते हैं बेहद आसान तरीके से। अब हमने एक तई ली है, इसके अंदर हम तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल को मीडियम गर्म करें टिक्की बनाने के लिए। अब हमें एक तरफ अपना बैटर तैयार हो चुका है, अब हम इससे टिक्की बना लेंगे। इसे गोल गोल गोले कर ले पहले लोई टाइप में और फिर हम इसकी टिक्की बनाएंगे। ये देखिए, आप चाहो तो हाथ पर तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन देखिए ये बैटर कितना अच्छा बना है कि तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, हमारी परफेक्ट बैटर बनकर एकदम तैयार हो चुका है। अब हम इसी तरीके से सभी जो गोले बनाए हैं हमने उसकी करीब 9 टिक्की बना ली हमने। ये देखिए, हम ऐसे ही सभी टिक्कियों को अच्छे से बना लेंगे। पहले ही हमारा तेल एकदम गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर आराम आराम से टिक्की को रख देंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो आराम से रखें टिक्की को। एक एक करके हम पहले 4 टिक्की इसके अंदर डाल देंगे। इसको एक तरफ से ही गोल्डन ब्राउन होने तक हम पका लेंगे। पहले इसको ना पलटें। ये देखिए, हमने 4 टिक्की डाल दी इसके अंदर। अब जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसको पलट देंगे। ये अब गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको पलट रहे हैं। इसको ध्यान से आराम से करें, बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल ना करें इसके अंदर, क्योंकि तेल गर्म है, आपके हाथ जल सकता है इससे। ये देखिए, हमारी टिक्की कितनी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हुई है। ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है। एक एक करके सभी टिक्की को आराम आराम से ऐसे ही हम पलट देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया इन पर, आप देख सकते हैं। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी टिक्की बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहो तो इन टिक्की के अंदर मटर वगैरह उबालकर मटर या
चने की दाल उबाल कर इसके अंदर स्टफिंग भर सकते हैं, लेकिन हमने सिंपल तरीके से आलू की टिक्की घर पर बनाई है। ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया टिक्की बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और हमने जो और टिक्की बची हुई है हम उनको भी ऐसे ही जो हमने ये ऑयल गरम किया इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से पका लेंगे दोनों तरफ से। हम इनका तेल थोड़ा निकाल रहे हैं। अब हम इसको प्लेट पर रख देंगे। हमने दूसरी टिक्की को भी तेल के अंदर डाल दिया, इसको भी ऐसे ही पका कर हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए अब हमारी टिक्की बन चुकी है। हम आपको सुनाते हैं ये कितनी कुरकुरी बनी है। ये देखिए आपको इसकी आवाज़ से पता चल रहा होगा ये कितनी ज़्यादा कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। ये बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनकर तैयार हुई है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए इसको बनाने में भी ज़्यादा झंझट नहीं है, ये आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। अब हमने गुड़ और आमचूर की चटनी, खट्टी मीठी चटनी बनाकर तैयार कर ली थी, वो इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप धनिया और पुदीना की चटनी डालना चाहें, हरी चटनी, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हमने दही ली है, दही को थोड़ा सा शुगर या पिसी हुई चीनी डालकर अच्छे से फेंट लें। ये हमने रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा सफ़ेद नमक स्वादानुसार अपने डाल लें। ये थोड़ा काला नमक हम डाल रहे हैं इसके अंदर, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम इसके अंदर सेव डाल देंगे। देखिए हमारी कितनी बढ़िया टिक्की बनकर एकदम तैयार है। अब हम थोड़ा सी और चटनी इसके ऊपर डाल देंगे। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप अगर घर पर ये इस तरीके से अपने घर पर टिक्की तैयार करेंगे तो आप बाज़ार वाली टिक्की खाना भूल जाएंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।